अपराध, गुंडागर्दी और आतंकवाद का कोई धर्म या समुदाय नहीं होता और ना ही इनके कोई रिश्ते निकलकर सामने आते हैं। बात जब अपराध, गुंडागर्दी और आतंकवाद की होती है तो हर कोई इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन यूपी के बुलंदशहर में धर्म का नाम लेकर बजरंग दल के लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बर्बरता की तमाम हदें पार कर दी और बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक महिला और व्यक्ति को लाठी डंडों से सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि उन्हें शक था कि युवक महिला को गलत इरादे से लाया है। बुलंदशहर में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक महिला और एक युवक को बेरहमी से पीटा। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बजरंग दल के लोग इस युवक पर टूट पड़ते हैं और बांस के बने इस डंडे से इतनी जोर से पीड़ित को मारते हैं कि बांस का डंडा भी टूट जाता है। हमलावरों ने महिला का भी लिहाज नहीं किया और उसे भी पीट दिया। दरअसल ये वीडियो 20 नवंबर का है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता इस महिला और उसके साथी को सिर्फ इसलिए निर्ममता पूर्वक पीट रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बात का शक था कि लड़की को गैर संप्रदाय का लड़का गलत मकसद से लेकर आया है। यही वजह थी कि जैसे ही युवक ने पूछने पर अपना नाम बताया तो इन बजरंग दलों के गुंडों ने जो हाथ आया उसी से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही बजरंग दल के ये लोग खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बता रहे थे और पुलिस चुप खड़ी थी, जबकि पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है। 20 तारीख को मारपीट गए थे कपड़े लेने बच्चे के, तो वहाँ पर हम उत्तर मिल गए हमें, तो वहाँ पे पिज्जा लिया, वो कहने लगे वहाँ बैठ के इंतजार करो। हम फलाजो को बैठे तो ऐसे दो जने आए, दीवार खोल के नहीं खुले हुए थे, अंदर आ गए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि हम तो पिज्जा का इंतजार कर रहे हैं, मारा मुड़ी करने लगे, अंदर खींच के ले गए दो जने, फिर तीन जने छत से उतर के आए, तो दो जनों ने गलत काम किया और फिर तीन जने भी करने लगे, फिर कहने लगे कि उसके बाद में इन्हों को फांसी लगा दो, खूब मारा हमें पटक पटक के नहीं। अगर पीड़िता की माने तो उसने बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। प्रशासन भी मामले को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को नामजद करते हुए कुल 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो में दिख रहे एक आरोपी को पता लगाने के लिए दीवारों पर पोस्टर तक चिपकाए गए हैं। उसमें देखिए, जब वीडियो वायरल हो गया है उसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ गिरफ्तार किए गए, एक पहचान में नहीं आ रहा है तो उसके लिए चिपकाया गया है, और जो जो और 15-20 अज्ञात हैं आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध जो भी कानूनी रूप से सक्सेसिव कार्रवाई है वो प्रिवेंटिव एक्शन की गई है। कानूनी रूप से ये है कि लड़की जो भी बयान देगी, 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 164 के बयान। अब जबकि मामला 2 समुदाय से जुड़ा है इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन मामला कुछ भी हो इस तरह की बर्बरता को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब देखना ये होगा कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाली अखिलेश की यूपी पुलिस इन असामाजिक तत्वों से कैसे पार पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर, JK 24/7 न्यूज़।